नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बचा है उसके लिए एक छोटा सा हेडिंग पड़ेगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स। और देखो है क्या, जैसे हम लोगों ने सूडो फोर्स पढ़ा था ना, सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी हमको सूडो फोर्स की? तो सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट हमको इसलिए थी क्योंकि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके एफबीडी बनाते हैं और हम चाहते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी करेक्ट आंसर दें, तो उसके लिए हमको एक करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है दे आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। तो वो जो करेक्शन फैक्टर है उसी को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी एक तरह का करेक्शन फैक्टर है, एंड इट इज अप्लाइड व्हेन वी आर ड्रॉइंग एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि जो रोटेटिंग फ्रेम है वो भी एक तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो जरा समझते हैं इसको, पहले तो ये समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, उसी से इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो जैसे देखो एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले किया था, तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म ओमेगा से रोटेट कर रहा है, डिस्क है क्यों भाई, और इस डिस्क को, डिस्क के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास ब्लॉक, और मान लेते हैं कि ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है। तो ये जरा बताओगे कि इस ब्लॉक का एफबीडी, एफबीडी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बनेगा? ग्राउंड से देखने पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर बताओ भाई, वन बाई वन। ग्राउंड से देखने पे कौन कौन से फोर्स? तो ग्राउंड से देखने पे इसके ऊपर तुमने एमजी लगाया, डिस्क के ऊपर रखा हुआ है तो नॉर्मल लगेगा। और बताओगे कि ये ग्राउंड से देखने पे कौन से मोशन कर रहा है? तो ग्राउंड से देखने पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हमको मालूम है कि सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो टुवर्ड सेंटर एक ए आर होना ही चाहिए, और ए आर कौन देगा? तो अब और कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो एक ही फोर्स सेंट्रल फ्रिक्शन इसको ए आर दे सकता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन बनाए तो हमें इक्वेशन मिलेगी एन इज इक्वल टू एम जी और एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, और ए आर की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये काम हम लोगों ने पहले किया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। बोलिए, अब हम लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसका एफ बी डी हम लोग उसी डिस्क के ऊपर बैठ के बनाए। तो तुम भी वहीं बैठ जाओ डिस्क के ऊपर। तो एफ बी डी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो जरा बताओगे कि डिस्क के ऊपर बैठ के तुमको वो ब्लॉक कैसे नजर आएगा? चलता हुआ नजर आएगा या रेस्ट पे नजर आएगा? रेस्ट पे सर आएगा। रेस्ट पे नजर आएगा, ठीक है। तो फोर्सेस कौन कौन से दिखाओगे? तो तुम कहोगे भाई एक एमजी लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है, और कोई फोर्स दिखेगा लगेगा ये बताओ। तुम भी डिस्क के ऊपर बैठे हो, वो ब्लॉक भी वहीं रखा हुआ है और दोनों घूम रहे हैं, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ब्लॉक हो गया रेस्ट पे, तो तुम्हें कौन सर से फोर्सेस नजर आएंगे उसके ऊपर? तो नॉर्मल सर लग बस रहा यही है, नजर आएंगे सर। तो तुम कहोगे सर यही दोनों फोर्स होंगे और कोई फोर्स क्यों नजर आएगा? तो अगर कोई तुमसे कहेगा भी कि भाई नहीं जरा इक्वेशन बनाओ, तुम कहोगे इक्वेशन एक हो जाएगी एन इक्वल टू एम जी, और अगर कोई कहेगा भाई फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तुम कहोगे फ्रिक्शन क्यों लगेगा भाई, जब ब्लॉक रेस्ट पे रखा है कुछ लग नहीं रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो जो आई है निकल के, ये सही आई है गलत आई है ये बताओ? गलत है गलत आई है। क्यों गलत आई है? क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम में चले गए हैं। नहीं, गलत इसलिए आई है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम से फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो रियल फोर्स की जो वैल्यू है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, यानी इनर्शियल से जो वैल्यू निकल के आई है वही वैल्यू नॉन इनर्शियल से भी आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो फिर क्या किया जाए? तो गलत क्यों आ रहा है? तो गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके लगा दिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हम एक काम करेंगे कि अगर इसको करेक्ट कर दें, तो करेक्ट करने के लिए क्या किया जाए?
ऐसे बोलेंगे करेक्ट एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो अगर करेक्ट एफबीडी बनाया विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो इसके ऊपर हमको एक करेक्शन फैक्टर, एक फोर्स हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। एन और एम जी तो ठीक ही है, एक फोर्स हमको अलग से लगाना पड़ेगा और उस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं एफ सेंट्रीफ्यूगल। कितना लगाना पड़ेगा? तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग ये बोल पाए कि इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, तभी ये बॉडी रेस्ट पे है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर निकल के आ जाएगी और तब हम बोलेंगे कि हाँ अब ये जो आंसर निकल के आया है ये करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई या नहीं बताओ पहले। सर इसमें एक कंफ्यूजन है। हाँ बताओ। हेल्प कर रहा था बेटा तुम्हारी आवाज, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल गए, क्या सुना, किसी को सुनाई पड़ा है तो बताओ भाई। ट्रांसलेट अभी आ रही है। हेलो। हाँ हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ने अपने एफबीडी बनाई थी, हाँ, तो जो फ्रिक्शन फोर्स था हमारा उसके कारण ही सर्कुलर मोशन हो रहा था करेक्ट ब्लॉक का, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू डिस्क बना रहे हैं तो उसका उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब हम डिस्क के ऊपर बैठेंगे तो सर्कुलर मोशन नहीं है। डिस्क के ऊपर बैठ के वो ब्लॉक कैसे नजर आ रहा है, रेस्ट पे नजर आ रहा है या सर्कुलर मोशन में नजर आ रहा है? रेस्ट पे नजर आ रहा है सर। तो रेस्ट पे कैसे होगी कोई बॉडी जब उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस होंगे कि अनबैलेंस्ड होंगे? बैलेंस्ड होंगे सर। तो बैलेंस ही कर दिया मैंने। तो ये जो अलग से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाया है, यही कारण है इसको दिखाने का, जिससे हमें आंसर दोनों फ्रेम में सेम मिले। बताओ। तो एक तरह का ये कनेक्शन फैक्टर हो गया। सर मतलब सर ये पहले से डिसाइडेड है कि फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा है उस पर। Obviously, वो पहले से ही डिसाइड है ना, लग तो रहा ही है। Yes, sir. उसको सही बनाने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, ये है अपनी तरफ से थोड़े सर, जो MR ओमेगा स्क्वायर होता है वो तो टुवर्ड सेंटर लगता है। बेटा टुवर्ड सेंटर नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स था और ये सेंट्रीफ्यूगल जो है वो रियल फोर्स नहीं है, ऐसे समझ लो एक तरह से इमेजिनरी फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है, ये जिसका मैग्नीट्यूड उसके इक्वल है बस, ठीक है ना। तो इसमें पहले पॉइंट में ये लिखते हैं। एक डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो सर। वो चीज समझ नहीं आ रही, जैसे जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने एफबीडी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाया है, हाँ? उसमें फ्रिक्शन की फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है सर, वो फ्रिक्शन फोर्स लग क्यों रहा है, मतलब वो कहां से आया, प्रोड्यूस उसको किसने किया? फ्रिक्शन की मूविंग टेंडेंसी राइट में होगी तब है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ। यस सर, वो तो डिस्क कर रही है ना सर। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर ये ब्लॉक, तो रेडियल एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा? और एक्सीलरेशन हवा में तो आएगा नहीं, पहले जब फोर्स होगा तब तो एक्सीलरेशन होगा। तो मुझे बस ऐसे सोचो कि अगर डिस्क वाली जो सरफेस है वो स्मूथ होती, डिस्क वाली सरफेस स्मूथ होती और हम डिस्क को घुमा रहे होते, तो क्या वो ब्लॉक सर्कुलर मोशन करता? नहीं सर, टेंजेंशियल चला जाता। वही टेंजेंट कहीं नहीं जाता, ग्राउंड से देखते तो वही रहता, खाली डिस्क घूमती उसके नीचे से। यस सर, टेंजेंशियल नहीं जाता, वो वहीं अपनी जगह रहता अगर डिस्क स्मूथ होती तो। तो इसका मतलब है कि जो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। यही बस सर, उसके पीछे जो डिस्क मूव कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ हाँ, तो डिस्क मतलब फ्रिक्शन तो लग रहा है डिस्क से, मतलब सर जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगी फ्रिक्शन के कारण वो ब्लॉक को भी मूव करवाएगी। अरे हाँ, कुछ नया बोलो, कुछ डाउट है तो बताओ। सर लैंग्वेज में कंफ्यूजन था। पॉइंट को इसमें इट इज अप्लाइड, या फिर लिख सकते हैं इट इज शोन इन एफबीडी व्हेन इट इज ड्रॉन
विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम। ध्यान रखना अगर हम ग्राउंड से एफबीडी बना रहे हैं तो हमें कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज जस्ट लाइक सूडो फोर्स। ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। तो कब हम लगाएंगे, कब दिखाएंगे उसको, तो हम तभी दिखाएंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के एफबीडी बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट में कितना लगेगा, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल वैल्यू कितनी है, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहां एम क्या है, एम ध्यान से देखो तो है मास ऑफ बॉडी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बताओगे आर क्या है, आर क्या बनेगा, आर बनेगा डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम, मतलब फ्रेम जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस। और ओमेगा क्या है, तो ओमेगा बनेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। तो ये एफ सेंट्रीफ्यूगल का एक्सप्रेशन आया है। और थर्ड पॉइंट में फिर आएगा कि हम कहां दिखाएंगे इसको, राइट में दिखाएंगे, लेफ्ट में दिखाएंगे, टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर, क्यों भाई, तो इट इज एक्टिंग, इट इज एक्टिंग अलोंग रेडियल लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बॉडी, और कॉमा लिख करके लिख देना अवे फ्रॉम एक्सिस। ठीक है ना, कब लगेगा, कितना लगेगा और किधर लगेगा, बस ये तीन मेन बातें हैं। कब लगेगा, कितना लगेगा और किधर लगेगा, बताओ क्लियर है तो आगे बढ़ें। ठीक है, देखो जरा, अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कभी भी कोई चीज तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सूडो फोर्स की वजह से ऐसा हो गया या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो गई, वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ट्रू है। एब्सोल्यूट लेवल पे सेंट्रीफ्यूगल जैसा कोई फोर्स है ही नहीं, ये सिर्फ एक तरह का करेक्शन है जो हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमें आंसर सेम मिले, ये किसी टाइप का फोर्स नहीं है, रियल फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो जैसे एग्जांपल, एक मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स को हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, एल लेंथ का ये स्ट्रिंग है, ये एंगल थीटा है, और इसके अंदर ये इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, देखो ये एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस इसका स्मूथ है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर।
ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। हालांकि इसको हम ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन तुम सेंट्रीफ्यूगल यूज करते हुए करो। करो ट्राई इसको, क्या कहोगे? देखो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को इसी फ्रेम में सॉल्व करना, तो तुम एक काम करो यहीं बैठ जाओ तुम भी, ठीक है? तो यहां से हम लोग लिखेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो अगर देखो इसका हम एफबीडी अगर बनाए, ध्यान से देखो, तो देखना ध्यान से कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे इसके ऊपर, ये कैसा नजर आएगा, रेस्ट पे नजर आएगा या चलता हुआ नजर आएगा? क्यों भाई, नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, ध्यान से देखो, एमजी इधर की तरफ लगेगा, और इसके हिसाब से देखने पे ये बॉडी कैसी है, रेस्ट पे। लेकिन जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो एक नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है, तो हम एक सेंट्रीफ्यूगल और लगाएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल कितना लगाएंगे, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस निग्लिजिबल है, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को पूरा पूरा हम लोगों ने एल ही ले लिया है, ठीक है? तो अब देखो इसके ऊपर ये फोर्सेस लग गए, अब बैलेंस कर लो क्या बनेगा। अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंस करना चाहते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लो, बॉडी रेस्ट पे है, क्या इक्वेशन आएगी? तो एक लिखेंगे n साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, और एक बनेगा n कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से डिवाइड करो क्या आएगा, यहाँ से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी tan थीटा अपॉन एल। क्लियर है? बताओ क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, वो ट्राई करते हैं। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको वाकई में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज पता चलेगा। अभी तो तुम ये भी कह सकते थे पिछले क्वेश्चन में कि सर जरूरत ही क्या थी सेंट्रीफ्यूगल की, ग्राउंड फ्रेम से ही बना लेते, काम चल जाता। इसमें तुमको विजुअलाइज होगा कि एक्चुअली क्या उसकी जरूरत पड़ रही है। पहले मैं कहूंगा थोड़ा सा ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ट्राई करो, फिर अब मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, जिनसे नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो ये सिचुएशन समझ लो, सिचुएशन में क्या है। तो देखो सिचुएशन में एक ब्लॉक है M1 और एक ब्लॉक है M2। M1 दिया हुआ है 10 kg, M2 दिया हुआ है 5 kg, ठीक है? एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रिंग, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसका लेंथ दिया है 0.3 मीटर, ठीक है? एंड दे आर प्लेस्ड अलोंग अ डायमीटर ऑफ अ टर्न टेबल। तो एक टेबल है इस तरह से, ठीक है? दे आर प्लेस्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ अ टर्न टेबल, ठीक है? तो ये जो टेबल है इसको हम लोग घुमा रहे हैं, इसलिए इसको टर्न टेबल बोला गया है। इस तरह से, और ये टेबल जो है ये इस तरह से ओमेगा से घूम रही है, देखना ध्यान से, ठीक है? द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड एम वन, टेबल और एम वन के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, और एम टू और टेबल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी एम टू के लिए टेबल स्मूथ है, ठीक है? The turntable is rotating with an angular velocity of 10 radian per second. तो ये दिया हुआ है 10 radian per second, ठीक है? फिर हमसे आगे कह रहा है, vertical axis passing through point O, ठीक है? ये point O हो गया।
द मासेस आर प्लेस्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ टेबल ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ओ सच दैट मास m1 इज एट अ डिस्टेंस 0.124. अब देखना ध्यान से, इसका डिस्टेंस यहाँ से दिया है 0.124 मीटर, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं ना, तो इसका हो जाएगा 0.176 मीटर. भाई r1 प्लस r2 l के बराबर होगा, ठीक है ना ये बात. तो अब कह रहा है कि masses are observed to be at rest with respect to observer on turntable. तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर को भी यहीं बिठा दो, ठीक है. तो अब देखो सारी की सारी कहानी विद रिस्पेक्ट टू टेबल चलने वाली है. तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं दोबारा दूसरा एक डायग्राम बना दे रहा हूं. टेबल के रिस्पेक्ट में मासेस के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले तो उनके वेट लगा दो. वेट हो गया m1g, नॉर्मल हो गया n1, वेट हो गया m2g, नॉर्मल हो गया n2, टेंशन दोनों की तरफ, इसके ऊपर टेंशन टी इधर की तरफ, इसके ऊपर टेंशन टी इधर की तरफ, और ये बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के ऊपर अलग अलग लगेगा. इसके ऊपर लगेगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, देखना ध्यान से, और इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर. अब ये कह रहा है कि ये सिस्टम चल नहीं रहा है, तो ये चल नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि या तो सारे फोर्सेस जो हैं वो एक्स डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएंगे. तो अगर हम पूरे सिस्टम को एक साथ देखें, ध्यान से समझना, इस पूरे सिस्टम को एक साथ, तो इस सिस्टम पूरे सिस्टम को एक साथ चलाने वाला जो फोर्स है वो ये है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर एंड m2 r2 ओमेगा स्क्वायर. तो इनकी जरा वैल्यू निकालो कितनी होगी. तो देखो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 10 × 0.124, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 124 न्यूटन. और m2 r2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 5 × 0.176 और 10 स्क्वायर, तो ये कितना आता है 88. यस सर. तो ये वाला फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 124 न्यूटन, और ये वाला फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 80 न्यूटन. दिख रहा है डायग्राम ध्यान से. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 124 की डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा, तो इसको रोकेगा कौन, तो इसको रोकेगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किसके ऊपर लग सकता है, तो फ्रिक्शन केवल m1 के ऊपर लग सकता है. तो एक काम करो, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी चेक कर लो जरा कितनी होगी. तो fs max की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा μmg, तो fs max की वैल्यू आएगी 50 न्यूटन. और ये बताओ रेस्ट पे रखने के लिए कितना लगेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना जरूरी है. कितना जरूरी है, 124 में 88 माइनस कर दो, कितना जरूरी है, तो 36 न्यूटन जरूरी है. तो 36 लग सकता है या नहीं लग सकता है, 50 न्यूटन की मैक्सिमम वैल्यू है, लग सकता 36 है. लग सकता है, तो इसका मतलब ये सिस्टम इधर नहीं जा पाएगा. तो मैं ऐसे सोचो, फ्रिक्शन नहीं होता अगर, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर जाता है, ये पूरे ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक क्या इधर की तरफ चले जाते लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जाने से ही उनको फ्रिक्शन रोक रहा है. तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा जो जरूरी है उसको रोकने के लिए जितना चाहिए उतना लगेगा, तो 36 लगेगा. देखो, और बी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा. बी पार्ट में कह रहा है कि अब हम अगर ओमेगा बढ़ाएं, तो ओमेगा बढ़ाते बढ़ाते कितना ले जाएं जिससे कि बस स्लिप होने वाली पोजीशन में पहुंच जाए. तो ऐसे बोल सकते हैं कि एट द मोमेंट ऑफ जस्ट स्लिपिंग fs, क्या fs मैक्स हो जाएगा, एट द मोमेंट ऑफ जस्ट स्लिपिंग. जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन तब होगी जब fs बढ़ते बढ़ते fs मैक्स हो जाएगा. और fs मैक्स की वैल्यू ध्यान से देखो, तो क्या m1 r1 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस m2 r2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बनेगी. तो यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 50 डिवाइडेड बाई m1 r1. m1 r1 कितना होगा, 10 × 0.124 माइनस 5 × 0.176. तो ये वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो ये निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 11.67 रेडियन पर सेकेंड. बी पार्ट बताओ क्लियर है या नहीं, बी पार्ट तक बताओ पहले.
हम लोगों ने क्या किया है, फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर दिया है। फ्रिक्शन कितना, मैक्सिमम 50, और लगेगा कितना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा दोनों के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल है उनके डिफरेंस के बराबर लगेगा, दोनों मासेस के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल है उनके डिफरेंस के बराबर लगेगा। सर वो आपने m2 माइनस में m2 r2 इनटू ओमेगा स्क्वायर कर दिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी ओमेगा नॉट ही। क्लियर है बी पार्ट तक, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब वो ये कह रहा है सी पार्ट में कि मासेस को हम किस तरह से अरेंज करें जिससे फ्रिक्शन लगे ही नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फ्रिक्शन लगे ही नहीं? तो ये क्या चाहता है कि मासेस को हम थोड़ा आगे पीछे करें और ऐसी पोजीशन में सेट करें कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अगर वो आपस में बैलेंस हो गए तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा भाई? फ्रिक्शन लगी इसीलिए रहा था क्योंकि दोनों के सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस था। अगर दोनों के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम हो जाएंगे, इफ रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इज जीरो, देन Fs will be zero. तो resultant centrifugal का zero कैसे हो सकता है? तो इसको लिख सकते हैं m1 r1 dash omega square, m2 r2 dash omega square. तो यहाँ से आ जाएगा 10 r1 dash is equal to 5 r2 dash. तो एक equation तो ये आएगी r1 r2 क्या होने चाहिए, और दूसरी equation हमारे पास ये कि r1 dash plus r2 dash जो है वो 0.3 meter के equal होगा। तो यहां से सॉल्व करके क्या मिलेगा, कर लिया था ये R1.1 और R2.2 मीटर है और R2.2 मीटर है। तो अगर हमने इनको 0.1 और 0.2 डिस्टेंस पे रख दिया ओरिजिन से और ओ से, तो इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो गए तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा भाई? तो सारा काम टेंशन करेंगे ना। हां टेंशन तो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स अगर पूरे सिस्टम के ऊपर देखेंगे तो ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो गए। ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल भी इक्वल होंगे और टेंशन भी दोनों पे लगने वाला इनके इक्वल होगा। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये? यस सर, क्लियर है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, डाउट थोड़ा सा है सर कि जो हम लोग देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है, ये तो पहले हमको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना ही पड़ेगा ना कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। नहीं, हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन उसको टर्न टेबल के ऊपर बैठ के जब हमने सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया तो हमें उसी से पता चल जाएगा ना फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। ब्लॉक्स की स्लिपिंग टेंडेंसी जिधर आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ब्लॉक्स की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर आ रही? ब्लॉक्स की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा सर, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सर ये जो आपने फिगर्स दिखाए हैं एंटी क्लॉकवाइज दिखाए हैं, अगर एक क्लॉकवाइज घूमने लगे तो क्या इफेक्ट होगा, मतलब उनकी स्लिपिंग टेंडेंसी पे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर की तरफ ही लगेगा ना। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ ही लगेगा। यस ठीक है। अच्छा एक नोट पॉइंट करके और लिखो इसमें, इसमें लिखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सफिशियंट स्यूडो फोर्स इफ बॉडी इज एट रेस्ट
विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, बट इफ बॉडी इज नॉट एट रेस्ट देन वी ऑल्सो अप्लाई वन मोर स्यूडो फोर्स कॉल्ड वन मोर स्यूडो फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स अलोंग विथ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब हालांकि ये है कि कोरियोलिस फोर्सेस के जो एप्लीकेशन है वो हमारे सिलेबस में है नहीं ज्यादा, तो सिर्फ इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सेंट्रीफ्यूगल के ही हैं, मतलब उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी हमको जनरली रेस्ट पे ही मिलेगी। अदरवाइज कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, कोरियोलिस फोर्स इज 2m into v cross omega। आया कहां से? आया वहीं से जैसे बाकी दोनों सूडो फोर्स डिराइव किए वैसे ये भी डिराइव होगा, पर जरूरत नहीं है इसकी तुम्हें। व्हाट इज m? m तो पता ही है क्या है, v क्या है, तो v यहां पे बनेगा ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, और ओमेगा क्या है? ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। ठीक है, खास बात इसमें ये लिख सकते हो कि एफ कोरियोलिस कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो अगर कोई ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है तो ऐसा फोर्स कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे तुमने ये बात मैग्नेटिक फोर्स के लिए पढ़ी होगी, अब तुम लोगों ने पढ़ रखा है इसलिए मैं हम इतना तो बोल ही सकते हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन तुम्हें याद होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? Yes, sir, उस फोर्स की भी यही खास बात होती है कि वो फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इस फोर्स का भी जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो वैसे ही है, मिलता जुलता v क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से फोर्स वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स जो है सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड चेंज कभी नहीं कर पाएगा। तो इतना पार्ट और इसमें नोट कर लो बस। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो जरा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करिए। देखो इस केस में क्या हो रहा है, एक टर्न टेबल दी हुई है पहले की तरह जैसे बताया था, ठीक है, और
और ये टर्न टेबल जो है अबाउट इट्स सेंटर ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब इस टर्न टेबल में क्या है कि एक ग्रूव बना हुआ है, ग्रूव समझते हैं सभी लोग, ठीक है, और इस ग्रूव में एक पार्टिकल रिलीज किया गया है, पार्टिकल रिलीज किया गया है सेंटर से ए डिस्टेंस पे। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है सेंटर से किसी टाइम पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो ये बताओगे कि इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। और इस वक्त ये पार्टिकल जो है मान लेते हैं कि वी स्पीड से बाहर की तरफ जा रहा होगा, मतलब इस ग्रूव में बाहर की तरफ निकल रहा होगा। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमें इसी टर्न टेबल पे बैठ के विजुलाइज करना ठीक रहेगा, क्योंकि तभी ये पार्टिकल हमको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आएगा, नहीं तो सर्कल भी हो रहा है और बाहर भी निकल रहा है। टर्न टेबल पे बैठ के देखेंगे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में अलोंग द ग्रूव जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, क्यों भाई इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं इसका पूरा 3D FBD बनाऊंगा समझाने के लिए। ये जैसे ये पार्टिकल, तो बताओ जरा वन बाई वन कौन कौन से फोर्सेस हैं। सर ये v वेलोसिटी से बाहर भी जा रहा है भाई, जैसे टर्न टेबल घूमेगा तो बाहर की तरफ नहीं भागेगा, स्मूथ ग्रूव है बाहर जाएगा, तो मैंने कोई भी वेलोसिटी v ले ली, अभी फिलहाल एज्यूम कर ली है, v की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो एक तो उसके ऊपर नॉर्मल हो गया n1, एक उसके ऊपर mg हो गया, क्यों भाई बताओ, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि एक उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर, बताओ यस और नो। और स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा होगा। अच्छा लेकिन ध्यान से बताओ, क्या इस केस में कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा होगा, यस और नो? यस सर, यस सर। बताएगा कोई कि कहां लग रहा होगा, क्यों भाई कोई बताएगा कोरियोलिस फोर्स कहां लग रहा होगा? सर कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, देखो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन ये रहा v क्रॉस ओमेगा। अब इसका v वेक्टर कहां है, तो ध्यान से देखो v वेक्टर इधर की तरफ है, ध्यान से देखो ओमेगा वेक्टर कहां है, ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो v क्रॉस ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये v क्रॉस ओमेगा होगा, बताओ परपेंडिकुलर टू द ग्रूव ये डायरेक्शन होगा F कोरियोलिस का। लेकिन F कोरियोलिस की वजह से ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि V और ओमेगा दोनों के परपेंडिकुलर है। नहीं नहीं नहीं, V और ओमेगा के परपेंडिकुलर है तो F कोरियोलिस लग रहा है, लेकिन F कोरियोलिस की वजह से पार्टिकल के पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टिकल ग्रूव में पड़ा हुआ है, समझना ध्यान से, नॉर्मल लगेगा वहां से। हाँ, ये पार्टिकल फ्री टू मूव नहीं है, ऐसा नहीं कि डिस्क के ऊपर रखा हुआ है, ये ग्रूव में है तो फंसा हुआ है ना एक तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रूव का जो एक नॉर्मल है वो इस कोरियोलिस को बैलेंस कर लेगा, बताओ यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में ही जाएगा, तो मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से ये बाहर की तरफ जाएगा। N2 जो है N2 will balance F Coriolis, बताओ, और N1 will balance MG, बताओ पहले इतनी बात यहां तक क्लियर है या नहीं? F Coriolis लग जरूर रहा है, लेकिन उस F Coriolis के लगने से इसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि F कोरियोलिस को नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया, इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द ग्रूव। तो ये जो एक्सीलरेशन है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन है
एक्सीलरेशन को लिख देते हैं वी डी वी अपॉन डी आर, और ये वैल्यू हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं ए से लेके आर तक, एल तक करना है, और इसको जीरो से लेके वी तक। तो ये इंटीग्रेट करोगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन पहले क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलिए क्लियर है या नहीं क्लियर है? बॉडी में जो एक्सीलरेशन आया अलोंग द ग्रूव वो आया एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से। अब जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है वो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि अलग अलग आर पे अलग अलग लगेगा। अब वेरिएबल फोर्स होने की वजह से उसके एक्सीलरेशन को हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज नहीं किया, बल्कि उसको कैलकुलस यूज करके सॉल्व कर रहे हैं वी डी वी बाई डी आर, क्योंकि एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं एच सर? सर ये वी डी वी बाई डी आर वी डी वी बाई डी आर क्यों लिख रहे हैं भाई? देखो एक्सीलरेशन है ना, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है ना ये आर का फंक्शन आ रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन आता तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा देते v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें यही तो पता करना है कि हमने इसको a डिस्टेंस से रिलीज किया, जब ये एंड पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहां से यहां एक्सीलरेट हो रहा है, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन को कैलकुलस से ही तो सॉल्व करते हैं। बोलो। यस सर, वो न्यूमेरिकल वाला। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर। जो पार्टिकल है जो मोशन स्टार्ट कर रहा है वो किस वेलोसिटी से, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है? जेंटली प्लेस्ड इनसाइड द ग्रूव लिखा है ना, तो जेंटली प्लेस का क्या मतलब है कि कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने उसको। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पर आप कौन सी वेलोसिटी लेते हैं जब हम लोग वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए जब इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, इनिशियल की फाइनल? बेटा जनरल वेलोसिटी लेते हैं, और जनरल वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल से फाइनल। या ये ना तो इनिशियल वेलोसिटी है या ना फाइनल वेलोसिटी है, ये कहीं बीच की वेलोसिटी है, जब कहीं बीच में है, जनरल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो एक। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? यस सर। अभी देखो ये क्वेश्चन जो है 2016 में आया था, बट तुम इसको पूरा पढ़ोगे तो तुमको ये लगेगा कि जो पिछला क्वेश्चन जस्ट हमने किया है ये वही क्वेश्चन है। पढ़ के देखो पहले ठीक से। क्वेश्चन
क्वेश्चन ये बताओ, ये तुम्हें लग रहा है कि एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये बताओ? यस सर। अब वो जो पिछला क्वेश्चन लिया था ना मैंने, वो एचसीवी का एग्जांपल था जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आईआईटी ने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो इसको ट्राई करोगे फिर? ट्राई क्या करोगे? मुझे लगता हो जाएगा, बस थोड़ा सा जितना पीछे वाले क्वेश्चन में किया हुआ है उतना काम तो करना ही है इसमें, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा है इसमें। जैसे वेलोसिटी निकालोगे जब तुम आर के फंक्शन में, तो तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी आर के फंक्शन में, और फिर इसी वेलोसिटी को हमें लिख देना है डी आर बाई डी टी, तो हमें आर मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब कैलकुलस के एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। और नेट रिएक्शन तो हम बता ही सकते हैं क्या लगेगा। नेट रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन एमजी को बैलेंस करेगा और एक रिएक्शन कोरियोलिस को बैलेंस करेगा। ठीक है, करके देख लेना। 52 का आंसर ए और 53 का आंसर बी है, खैर पैकेज में भी है क्वेश्चन ये। ठीक है, ओके सर, बाय।